उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह का अस्थि कलश आज अयोध्या पहुंचा। इस दौरान पवित्र सरयू नदी में उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया। कल्याण सिंह के पुत्र सांसद राजवीर सिंह ने सरयू में अस्थियां विसर्जित कीं, जिसके बाद राम की पैड़ी पर संतों और महंतों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सांसद राजवीर सिंह ने कहा कि बाबूजी शरीर से तो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी अस्थियों का विसर्जन आज मैंने अयोध्या में बहती सरयू नदी में किया है। बाबूजी का सपना जो अधूरा रह गया था, निश्चित रूप से उनकी आत्मा को इससे शांति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या आने के बाद मैं रामलला के दर्शन करूंगा, जहां बाबूजी अक्सर जाया करते थे। इस दौरान कल्याण सिंह के पोते संदीप सिंह भी मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि आज बाबूजी हम सब के बीच शारीरिक रूप में नहीं हैं, लेकिन वह हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा पूरा परिवार बाबूजी के उसूलों पर समाज के लिए कार्य करता रहेगा। बाबूजी शरीर से तो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी अस्थियों का विसर्जन मैंने आज सरयू में अयोध्या में किया है। बाबूजी का जो सपना अधूरा रह गया था कि मैं दर्शन करने के बाद जाऊंगा, जीते जी तो नहीं आ पाए, लेकिन मैं उनकी अस्थियों को लेकर आया हूँ, विसर्जन किया है मैंने आज। उनकी आत्मा को निश्चित रूप से शांति मिलेगी और आज वो बहुत खुश हो। मैं रामलला के दर्शन करूंगा और जो महाराज जी हैं जहाँ बाबूजी अक्सर जाया करते थे उस पीठ पे भी जाऊँ। एक तरह से बाबूजी की जो एक अंतिम इच्छा थी उसको आज हम सब लोगों ने, पूरे परिवार ने पूरा किया है। उनकी इच्छा थी कि रामलला का एक भव्य मंदिर बने, जो कि उनके जीते जी रामलला ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और रामलला जी ने अपने भक्त का, जो उनका सपना था, एक भव्य मंदिर के रूप में, जिसका निर्माण कार्य अब प्रारंभ हो चुका है और बहुत जल्द एक भव्य मंदिर बनके तैयार होगा। बाबूजी आना चाहते थे दर्शन करने के लिए, लेकिन आज अयोध्या में, सरयू माँ में बाबूजी की अस्थियाँ यहाँ हमने विसर्जित की हैं। बाबूजी हमेशा के लिए अमर हैं और हम सब के साथ हमेशा रहेंगे और प्रभु श्री राम के साथ ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में जगह दे और हम सब के ऊपर अपना, जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद बना के रखा, आशीर्वाद बना के रखें। हमारा पूरा परिवार बाबूजी ने जिस तरह से पूरे जीवन भर दबे कुचले पीड़ित और जितने भी शोषित समाज में अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक, उसको उनके उत्थान के लिए कार्य करने का काम किया। हमारा पूरा परिवार भी उनके उसी कदमों पे चलते हुए हर एक समाज के दबे कुचड़े पीड़ित जितने भी पिछड़े लोग हैं, हर एक व्यक्ति के उत्थान के लिए कार्य करता रहेगा। उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर हमेशा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।